हर काम को करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बनाया है। अगर वो लोग वो काम नहीं करेंगे तो माशरा कैसे चलेगा, कौन करेगा उनकी जगह वो काम? अगर डॉक्टर्स डर डर के अपना काम करना छोड़ दें, इंजर्ड लोगों को हैंडल करना छोड़ दें, उनके ज़ख्म सीना छोड़ दें, तो कैसे चलेगा, सर्वाइव होगा? ऐसे ही अगर हम ये काम करना छोड़ देंगे तो कौन आएगा हमारी जगह? मेरा नाम रिजवाना जालिब है और मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है बाय बर्थ। 2010 से मेरी इनरोलमेंट हुई है एज एन एडवोकेट। मेरे फादर भी एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस में है, मेरी इनिशियल सारी प्रैक्टिस उनके साथ थी। जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस में थी तो वो मुझे कभी ATC नहीं लेकर आए थे, ये फैक्ट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता था यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, जो अपने हिसाब से वो देखते थे या उस वक्त जो था। चैलेंजेस जो बात मैं करना चाहूँगी कि दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, एक हमारे डिपार्टमेंटल चैलेंजेस होते हैं, एक हमारे यहाँ सोशल जो चैलेंजेस हो सकते हैं। डिपार्टमेंटल चैलेंजेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो इंटरेक्शन आता है लोगों के साथ, समटाइम जो हमारे विटनेसेस होते हैं, बेसिकली हम स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट हैं हम, तो पुलिस के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत चलता है, विटनेसेस का आना जाना, उनको बुलाना, पुलिस वालों के साथ डील करना, वो थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में होता था, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी जॉब में आते हैं वो ज़रा एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, एजड होने चाहिए। अब जब हमें कोई देखता है तो वो आपके बराबर की तो मेरी बेटियाँ हैं, आपकी जितनी उम्र है उतना तो हमारा एक्सपीरियंस है, ये सेंटेंसेस मैंने सुने हैं पुलिस वालों से। एग्जैक्टली अपनी बात कवर करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स से। लॉ में जो बात है कि जो पॉइंट सही है वो सही रहेगा हमेशा, ठीक है, चाहे वो कोई एक यंग एज का बंदा बात कर रहा हो या कोई एक सीनियर बात कर रहा हो, तो उस चीज़ से फिर कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जब ये ऐसा कुछ होता है फिर सामने वाला आपको परखने लगता है, जांचने लगता है, या आपकी बात से अग्री करने लगता है कि हाँ ये जो बात कह रही है वो ठीक है, इस पॉइंट का यही सोल्यूशन है, या इस चीज़ पे यही सेक्शन आता है, या इस सेक्शन की यही पनिशमेंट है। तो जब आप सही बात करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं, तो उस चीज़ से फिर कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। सोशल लाइफ में ये है कि अगर हम किसी को बताएं आपकी पोस्टिंग कहाँ है, तो सेंट्रल जेल में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ जाती हैं, जेल के अंदर जाती हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, लेकिन सुनने में अजीब लगता है, बट यहाँ आप देखें जब हम काम कर रहे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो लगती थी पहले, ज्वाइनिंग से पहले या एक जहन में था कि शायद कुछ ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे, कि लोग पूछते थे, हैरान होते थे, डरते भी थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है फिर वो चीज़ें मैं ही क्लियर करूँगी ना उनके लिए। अगर वो मुझसे बात करते हैं, मुझे कहते हैं, तो मुझे ही उन चीज़ों को क्लियर करना है ताकि दूसरे लोग भी आ सकें। अगर और फीमेल्स आना चाहें मेरी जगह, और लड़कियाँ आना चाहें जो अब फील्ड में आ रही हैं, लॉ कह रही हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छा समझें। अगर मैं उसमें नेगेटिविटी स्प्रेड करूँगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है उनको वो चीज़ बताती हूँ जो पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ें हैं, और इतना भी नेगेटिव खुश नहीं होता, शुक्र है अल्लाह का। आजकल तो लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, चांद पे जा रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं।